नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल केंद्र में मध्य प्रदेश से 6 मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री जी का आभार, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अंजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश से 6 मंत्री बने हैं, हम पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा है कि हम सभी की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खड़े उतरे। इसीलिए आज हम सभी मध्य प्रदेश आए हैं और संकल्प यही है कि हम लोग दिन रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। प्रदेश कार्यालय में मामा के लिए बहनों ने गाना गाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे भैया हैं, सारी उम्र हमें संग रहना है। भोपाल से राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। सर सब मिलकर मेरे माथे पर कोई डर मत आइएगा। हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सब की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है कि हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है वो हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में ही रहा और काम को हमने समझने की कोशिश की। 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं, उस काम को आगे बढ़ाना है। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, अलग अलग कार्यक्रम होंगे पंचायतों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, अलग अलग जगह मंडियों में, और लगभग 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एक और प्रसन्नता है कि गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनने हैं और वो काम भी ग्रामीण विकास विभाग का है। तो पहली कैबिनेट में ही
सिद्धांता ये तय कर लिया गया कि ये मकान बनेंगे, उनमें से 2 करोड़ लगभग ग्रामीण विकास विभाग को बनाना है। तो हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। चूँकि 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी का काशी जी में कार्यक्रम मेरे विभाग का ही था, इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना था और पार्टी ने तय किया था कि एक बार सब मंत्री आ जाएं। और दूसरी और दिक्कत थी, मध्य प्रदेश से लोग 1500 लोग मिलने अलग अलग मंत्रियों से दिल्ली जा रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि बीच में एक बार सब कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाए, इसलिए पार्टी ने यह कार्यक्रम रखा और हम लोग आए। बाद में ये पता चला कि सत्यनारायण जटिया जी और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, दुखद निधन हुआ है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रम को श्रद्धांजलि हम लोगों ने अभी दी और स्थगित किया है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, हम सब मंत्री मध्य प्रदेश से जो बनाए गए हैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी प्रमाणिकता, पूरी परिश्रम से, संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग अपने अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।